और आपके चैनल के माध्यम से एक दिन चलो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके कानों तक हमारी आवाज पहुंचे, जो हमारी डिमांड्स हैं उन तक पहुंचे। हमारी जो पहली डिमांड है कि जो राहुल भट्ट जी हैं, जो जिनकी अभी रिसेंटली लिंक हुई है, उनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए और उनकी वाइफ को जॉब दी जाए, जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक बोला है कि उनको हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें सेफर प्लेसेस पे मूव किया जाए, नॉट ओनली इन जम्मू, कहीं पे भी कंट्री में हमें रखेंगे। वी आर रेडी टू सर्व बट नॉट इन वैली, हम वैली में सर्व नहीं करते। तो उनका राइट है, वो तो वैसे भी अगर एलजी वो ट्वीट नहीं करते तो क्या उनको जॉब नहीं मिलती? उनके हस्बैंड थे तो वो तो किसी भी डिपार्टमेंट में लॉ है कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को जॉब मिलेगी, तो वो कंपनसेशन देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। वो ऑन ड्यूटी, उनकी जो डेथ है ऑन ड्यूटी हुई है। तो सर जहाँ पर हम सेफ फील करें, हम अकॉर्डिंग टू राइट टू लाइफ, जहाँ पर एक इंसान सेफ फील करता है वही उसके लिए सेफर प्लेस। तो जहाँ हम सेफ फील करें हम वहाँ रहना चाहते हैं, हम वहाँ सर्व करना चाहते हैं। सर हम खाली बात नहीं की जा रही है, नहीं सर हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम पंडित के लिए नहीं बोल रहे हैं। चाहे क्लिंग किसी, आपने अभी देखा जो अभी सरदारनी जब पहले डेथ हुई, बिंद्रू साहब की डेथ हुई, हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है कि पंडित मारा गया, ये पहले इंसान मारा जाता है। आपका जो मजहब है वो आपकी बाद में आपकी आइडेंटिटी है, पहले आप एक इंसान हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो हम ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे जो भी सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, जो भी टारगेट किलिंग्स हो रही है, चाहे वो एक पुलिस वाला मारा जा रहा है, चाहे वो SPO मारा जा रहा है, चाहे वो पंडित मारा जा रहा है, सरदार मारा जा रहा है, या मुसलमान ही क्यों ना मारा जा रहा हो, पर क्यों SPO को भी SRO मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर उनको उनको डिमांड उनके लिए राहुल जी के लिए दी गई है तो उनके लिए वो भी ऑन ड्यूटी मदद से, तो उनके लिए भी वही हम करते हैं। हमारा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम नहीं लड़ रहे, हम सिलेक्टिव किलिंग्स के लिए लड़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक दिन में